हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आजकल तो हम सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे बंदे स्मार्टफोन पर गलतियां भी करते हैं। तो इस वीडियो पर मैं आप लोग को कॉमन गलतियां बताने वाला हूं जो आप लोग को कभी भी अपने स्मार्टफोन पर नहीं करना है, वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो ये सारे गलतियां आप लोग को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर चैनल पर न, चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, आगे भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। नंबर वन गलती। सो फ्रेंड्स, आजकल तो हम सभी लोगों का फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट होता ही है, तो आप लोग नोटिस करना, आपको कभी ना कभी जरूर एंजल प्रिया के नाम से इंस्टाग्राम पर डीएम या फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया ही होगा। अगर आप लोग को इस तरह का मैसेज एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप लोग वहीं पर सावधान हो जाना है। जितने भी एंजल प्रिया के नाम से मैसेज एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, ये सारे फ्रॉड लोग रहते हैं। ये सारे लोग लड़की के नाम से आईडी बनाते हैं और दो चार फोटो पोस्ट कर देते हैं और वह सारे लोग भोले भाले लड़कों का शिकार बनाते हैं और उन्हीं से पैसा लेते हैं। पैसा लेने के बाद उन लोगों को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारे काम होते हैं एंजल प्रिया के नाम से जितने भी मैसेज एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। तो आप लोग को इससे बचना है एंजल प्रिया के नाम से। और ये चीज़ें लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियों को भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज आता है और उन लोगों से बोला जाता है कि आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो भेजिए। और बहुत सारी लड़कियां इनका शिकार भी हो जाती है और अपना प्राइवेट फ़ोटो भेज देती है। उसके बाद प्राइवेट फ़ोटो भेजने के बाद आप लोग को पता है वो सारे लोग फ्रॉड लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं और वह फ़ोटो लीक हो जाता है। तो मैं आप लोग को कहना चाहूँगा लड़के और लड़कियों से, अगर आप लोग को इस तरह का एंजल प्रिया के नाम से या किसी अजीब नाम से आपको इस तरह का मैसेज और कुछ भी आता है और आप लोगों को कुछ भी भेजने के लिए बोलता है, तो आप लोग नहीं भेजिएगा, वरना आप लोग को पछताना पड़ेगा। नंबर टू गलती। अगर मैं आप लोगों से कहूँ आईफोन 13 आप लोग को 25,000 में मिलेगा, वन प्लस 9 आप लोग को 15,000 में मिलेगा, अगर इस तरह का एड किसी भी वेबसाइट पर दिखाया जाता है तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस वेबसाइट को चेकआउट करेंगे और कुछ लोग तो खरीद भी लेंगे वह फ़ोन को। तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं कि आईफोन जितने भी फ़ोन आते हैं वे सारे महंगे होते हैं, उसका कम प्राइस नहीं होता है। अगर आप लोग उस तरह का फ़ोन खरीदते हैं तो आप लोग फ्रॉड का शिकार होंगे। सिर्फ आप लोग को वहां पर उस फ़ोन पर आईफोन का स्टिकर लगाया जाता है, उसके बाद आप लोग जब खरीदेंगे और उसको स्टिकर को उतारेंगे तो वह दूसरा फ़ोन रहता है चाइना का। तो आप लोग को अगर इसी तरह का किसी भी वेबसाइट पर एड दिखाया जाता है तो आप लोग को खरीदना नहीं है। तीसरी गलती। यह गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं और ख़ास करके यह गलती लड़कियां लोग करती हैं, जब भी आपके फ़ोन पर अपडेट आता है तो अपडेट नहीं करते हैं। तो यह सबसे बड़ा गलती है, जब भी आपके फ़ोन पर अपडेट आता है आप लोग अपने फ़ोन को तुरंत अपडेट करिए। अपडेट करने से यह होता है कि आपका फ़ोन का सिक्योरिटी पैचेस बढ़ जाता है और आपका फ़ोन हैक नहीं कोई कर सकता। तो खास करके ये लड़कियां सब यह गलती करते हैं, अपने फ़ोन का डाटा बचाने के चक्कर में फ़ोन को अपडेट नहीं करते हैं। तो आप लोग के फ़ोन में जब भी अपडेट आता है तुरंत अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट गलती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन के कैमरे से अपने प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर करते हैं, फोटोज वीडियोज को रखते हैं। तो यह सबसे बड़ा गलती है, आप लोग को कभी भी अपने स्मार्टफोन पर यह गलती नहीं करना है। आप अपने स्मार्टफोन पर अपने प्राइवेट मोमेंट को, फोटोज वीडियोज को कैप्चर नहीं करना है, क्योंकि जो आप लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं वह इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वह आपका प्राइवेट फोटोज वीडियोज लीक हो जाएगा इंटरनेट पर। तो ये गलती आप लोग कभी भी नहीं करना। नेक्स्ट गलती। यह गलती 99% लोग करते हैं, बिना पढ़े किसी भी चीज़ का परमिशन दे देना। जब आप लोग अपने फ़ोन पर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आप लोग को नोटिस करना, वह एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है और वहाँ पर 99% लोग बिना पढ़े उस एप्लीकेशन को सारा अलाउ एंड परमिशन दे देते हैं और वह एप्लीकेशन क्या करता है, आपके फ़ोन का जो भी डाटा रहता है, फोटोज वीडियोज प्राइवेसी मोमेंट जो भी कैप्चर करते रहते हो अपने फ़ोन पे, वह सारा डाटा चुरा लेता है और वह अपने सर्वर पर अपलोड कर देता है और इसी तरह आपका प्राइवेट फोटोज वीडियोज लीक हो जाता है। तो जब भी आप लोग अपने फ़ोन पर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लोग वहां से अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि वह एप्लीकेशन आपसे किस चीज़ का परमिशन मांग रहा है। जिस चीज़ का ज़रूरत है उसी चीज़ का परमिशन दे उस एप्लीकेशन का, वह अदर चीज़ का नहीं दे। और जब भी आप लोग अपने फ़ोन पर किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो आप लोग हमेशा प्ले स्टोर से करिएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग को अपने स्मार्टफोन पर कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, जर नाम सूरज महतो 23, या लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।